क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज 1-1 से बराबर है और सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इस मैच को जीतने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा दांव खेला है और दिग्गज को ही बाहर कर दिया है। तो आपको बता दें तीसरे मैच की फाइनल टीम, जिस पर आप भी कमेंट जरूर करें। तीसरा मैच दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा और इसके लिए रोहित शर्मा की फाइनल टीम की बात करें तो ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर रोहित शर्मा और शिखर धवन की होगी। पिछले मैच में दोनों ही खिलाड़ियों ने शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। तीसरे नंबर पर विजय शंकर को एक और मौका मिलने जा रहा है। जी हाँ, विजय शंकर को टीम मैनेजमेंट पूरी तरह से आजमाना चाहता है और तीसरे मैच में फिर से शंकर को ही खिलाया जा रहा है। चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ ऋषभ पंत ने दमदार बैटिंग की थी और यहाँ भी ऋषभ ही चौथे नंबर पर खेलने आएंगे। पांचवा नंबर महेंद्र सिंह धोनी का तय है और धोनी यहाँ भी टीम को जिताने के ही रोल में होंगे। अब बात करते हैं छठे नंबर की, तो यहाँ पर पहला बदलाव होगा। जी हाँ, छठे नंबर पर खेलने वाले रोहित के करीबी दिनेश कार्तिक को इस बार बाहर किया जा रहा है और कार्तिक की जगह पर एक गेंदबाज की टीम में एंट्री हो रही है। कार्तिक नहीं होंगे तो छठे नंबर पर खेलने आएंगे हार्दिक पांड्या, जबकि सातवें नंबर पर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच कुणाल पांड्या ही खेलेंगे जो शानदार बॉलिंग भी कर रहे हैं। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो टीम मैनेजमेंट यहां कुलदीप यादव को एक मैच खिलाने जा रहा है, ये तय हो गया है। इस T20 सीरीज में कुलदीप ने अब तक कोई मुकाबला नहीं खेला और तीसरे मैच में कुलदीप का खेलना तय है। दिनेश कार्तिक की जगह पर कुलदीप यादव को टीम में जगह दी जा रही है। इसके अलावा युजवेंद्र चहल दूसरे रिस्ट स्पिनर होंगे। तेज गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद की ही जोड़ी फिर से खेलेगी, क्योंकि पिछले मैच में भी दोनों ही गेंदबाजों ने अच्छा खेल दिखाया था। वैसे एक संभावना और भी बन रही है, अगर एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने का मन हुआ तो दिनेश कार्तिक को ही फिर से खिलाया जाएगा और तब युजवेंद्र चहल को आराम दिया जाएगा और कुलदीप यादव का खेलना तय है। तो कैसी है टीम और कैसा है कॉम्बिनेशन, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।